यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का यह हवाला दिया जा रहा है सीएम मनोहर लाल के द्वारा, यह भी कहा जा रहा है कि एसवाइल का पानी जल्द ही हरियाणा में आएगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ इनेलो, बीजेपी और कांग्रेस तीनों से प्रवक्ता मौजूद है। कांग्रेस से हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है कृष्णमूर्ति हुड्डा, इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र चौहान है और प्रवीण अत्रे इनेलो से है। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा कि क्या फौज को आना पड़ेगा एसवाइल के मसले को लेकर, क्या फौज ही बनवा पाएगी एसवाइल की नहर? देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में फैसला दिया था, जब हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की नहर थी, की सरकार थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। हम लोग कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी से मिलके आए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, भारत सरकार को और हरियाणा सरकार को निर्देश दे दिया है कि इसको पूरा किया जाए। हमने वाजपेयी जी से कहा कि आप अब इसको पूरा कराइएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। लेकिन उस समय ना तो चौटाला सरकार ने कुछ किया और ना भारत सरकार। सर, आपकी सरकार ने क्या किया उस दौरान, ये भी बता दीजिए। हमारी सरकार नहीं थी, हमारी 2002 में फैसला आया था, मैं उस डेलीगेशन का मेंबर था जो प्रधानमंत्री जी से मिला था। हमारा कोई 17 लोगों का डेलीगेशन था, चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले थे हम प्रधानमंत्री के निवास पे। नहीं, आज की बात कीजिए ना, रणवीर सुरजेवाला कहते हैं कि फौज को बुलाना पड़ेगा एसवाइल नहर निर्माण को लेकर। देखिए, ये सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहती है, सरकार को स्पष्ट आदेश है भारत सरकार को, और इनको चाहे फौज को बुलाए या कुछ भी करे, इनको नहर का निर्माण करना चाहिए। लेकिन वो सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच रही है जानबूझ के। और जो आईएलडी है, ये घरेलू वासी बाहर है इसलिए कि जिस समय 1985 में राजीव नहीं, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, क्या फौज से ये हल निकल सकता है? कभी आपकी सरकार जब थी, आपके नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं कहा? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो क्यों नहीं करवाते? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा कि फौज, आप फौज लगाइए वहां पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत सरकार को इसको इसको एसवाइल नहर को बनवाए, तो ये क्यों नहीं बनवा रहे, मामले को क्यों लटका रहे हैं? चौहान साहब, इलेक्शन आ जाएगा, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं कि आप मामले को लटका रहे हैं। और क्या ये दूसरा सवाल ये भी आपसे ही होगा मेरा, क्या फौज से ही अब हल निकलने वाला है सवाल का, क्या हरियाणा वासियों को फौज ही पानी दिलवा पाएगी अब? देखिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जो कह रहे हैं ये उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम कुंडली मार के बैठे हैं या हम निर्माण नहीं करा रहे नहर का, जिस पार्टी के की कैबिनेट ने, जिस पार्टी की सरकार ने, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद उस निर्णय को लागू होने से रोकने के लिए सारे जल निरस्त कर दिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आप जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहना चाहेंगे आपकी बात भी सुनी जाएगी। ऐसे चर्चा नहीं होगी ना, आप अपनी बात जब रख रहे थे तो उसके बीच में कोई नहीं बोला साहब, आप सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे जी। चौहान, कृष्णमूर्ति हुड्डा उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने जल समझौते रद्द करने का देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने वाला काम किया था। सवाल पर आइए सर, चौहान साहब, कृष्णमूर्ति, चौहान साहब सवाल पर आइए, सवाल ये है कि क्या अब फौज निकालेगी सवाल का हल? रणदीप सुरजेवाला का ये बयान आया, इसके अलावा मामले को लटका आप रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। कमल जी, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, उत्तर पर आइए सर। पिछली बात म्यूट करिए आप, या तो जी जी, मैं उनकी बारे में नहीं बोला था। नहीं, आप नहीं बताएंगे म्यूट करना है कि नहीं करना? अरे आप इनको बोलने दीजिए, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए सर, बात रखिए सर, बात रखिए, आप मुझे बोलने नहीं देंगे? बिल्कुल सर, आपको ही टाइम दिया गया है, बोलिए सर। कृष्णमूर्ति हुड्डा उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने जल समझौते निरस्त करने का गैर कानूनी गैर संवैधानिक काम किया। कृष्णमूर्ति हुड्डा उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिस पार्टी की सरकार 9.5 सर, फिर वही आप पीछे चले जाते हैं सर, आज की बात कीजिए ना सर, आपकी आज की बात कीजिए ना, उत्तर तो सुनना पड़ेगा, मैं तथ्य बोल रहा हूं, अगर मैं गलत हूं मुझे रोक देना। 9.5 साल हरियाणा में सरकार रही, 10 साल केंद्र में सरकार रही,
सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पेंडिंग पड़ा रहा, इन्होंने डक्का नहीं तोड़ा, कागज नहीं हिलाया। सुनिए सर, चार साल आपकी सरकार हो चुकी है केंद्र में, चार साल हरियाणा में होने को है सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में है, एसवाल का पानी क्यों नहीं आ रहा सर? अगर पीछे जाएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी सर। कमल जी विनम्रता से सुन लीजिए, मैं आपसे आपका सर मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा, मैं कैसे सुनूं सर? आप सुनना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल सुनना चाहते हैं सर, जनता भी सुनना चाहते हैं, सवाल का जवाब मिले तो सही। उत्तर सुनिए जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी मनोहर जी की अगुवाई में, हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फटाफट उसकी पैरवी करते हुए उसका निर्णय हो हमने ये सुनिश्चित किया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पंजाब ने जो किया था, अमरेंद्र सिंह की सरकार ने जो किया था वो गलत था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है, आ चुका है, अब विषय ये है कि उसको लागू कैसे करना है। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का आदेश है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है इसका निर्णय देश के सुप्रीम कोर्ट ने करना है। हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, एग्जीक्यूशन का निर्णय जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहेगा वैसे होगा, वो कभी मेरे या कृष्णमूर्ति हुड्डा के करने से होने वाला नहीं है। रही बात जो आज इनके नेता ने कहा कि फौज बुलवानी चाहिए, ये वो नेता है कमल जी फौज की मांग करने वाले, जो पंजाब में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए वहां खड़े हुए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठे हुए थे, जिसमें यह कहा गया था कि एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा में आकर के कहते हैं कि फौज बुला लो, इन्होंने कैप्टन अमरिंदर से बात कर ली क्या फौज बुलाने के बारे में? चलिए इसका सवाल का जवाब लेंगे हुड्डा साहब से, लेकिन प्रवीण अत्रे साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अत्रे साहब, सीएम साहब कहते हैं कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, एसवाईएल की लड़ाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और दूसरी प्रतिक्रिया आपके ये भी लेना चाहेंगे जो रणदीप सुरजेवाला जी ने बयान दिया है कि फौज से ही अब हल निकलने वाला है क्या? कमल, ऐसा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है एसवाईएल का, हरियाणा प्रदेश की लाइफलाइन है, मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पे संजीदगी से चर्चा हो बजाय चिल्ला चिल्ली करने। जी, जी, जी। देखिए, दो तीन चीजें हैं, फैक्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तथ्यों को आप बदल नहीं सकते। जी। अभी 2002 की बात हुई थी, 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था हरियाणा प्रदेश के हक में, पंजाब सरकार अपनी आपत्तियां लेके दोबारा कोर्ट में चली गई थी, फिर 2004 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को रिजेक्ट करके हरियाणा प्रदेश के हक में फिर निर्णय दिया, और फिर कैप्टन अमरिंदर साहब ने जल समझौते रद्द किए पंजाब विधानसभा में, एक ऐसा विधानिक बिल लाके। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट रेफरेंशियल जो पड़ा रहता है, जिसका जिक्र अभी चौहान साहब भी कर रहे थे, सवाल यहाँ पे ये है कि 2015 में पंजाब विधानसभा में नहर को फिर डीनोटिफाई किया जाता है, जमीनें किसानों को वापस करने की बात की जाती है, नहर को पाटने की बात की जाती है, बिल्कुल चुनाव के नजदीक आते ही, और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त वहां पे अकाली दल के साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी, इन्हीं के मंत्री थे मदन मोहन मित्तल जो उस प्रस्ताव को विधानसभा में लेके आए थे, हमने उस वक्त भी पंजाब विधानसभा में जाके उसका विरोध किया था और पुरजोर विरोध किया था। अब सवाल आ जाता है जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, ये प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने के लिए, बरगलाने की एक कोशिश है। मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछिए, जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, अगर मामला कोर्ट में था तो आपने सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई थी? अगर मामला कोर्ट में था तो आप सभी पार्टियों के इसका जवाब वीरेंद्र जी से लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चुका है, आप सबसे गुजारिश है कि आप बने रहिए हमारे साथ, वीरेंद्र जी से ब्रेक पे जाने के बाद जरूर एक सवाल का जवाब जो आपने उठाया है वो जरूर लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो एसवाईएल को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है, जैसे जैसे चुनाव एक बार फिर से नजदीक आ रहे हैं, एसवाईएल को लेकर जो है तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, हरियाणा में जो है जनता के बीच जाती हैं और ये कहती हैं कि हम ही एसवाईएल का पानी हरियाणा में लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक भी कई दशक बीत चुके हैं लेकिन एसवाईएल का पानी हरियाणा, खासकर दक्षिण हरियाणा तक नहीं पहुंच पाया है, और अब एक बार फिर से जो है सियासी पारा गर्म हो चुका है। तमाम चर्चा के लिए मेहमान फोन लाइन पर मौजूद है, बीजेपी से वीरेंद्र चौहान जी है, प्रवीण अत्रे इनेलो से, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस से है। ब्रेक से जाने से पहले वीरेंद्र चौहान साहब एक सवाल पूछा गया था और ये सभी को मालूम भी है, अत्रे साहब ये कहते हैं कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तब ये बात आप नहीं कहते हैं कि कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, और अब कहते हैं कोर्ट में ये मामला है। देखिए कमल जी, जो तथ्य है, अभी हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कह रहे थे कि फैक्ट्स चेंज नहीं होते हैं, मैं भी दोहराता हूं कि फैक्ट्स चेंज नहीं होते हैं। हमने अगर ये कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और एग्जीक्यूशन के मामले, एग्जीक्यूशन की हमने अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को देना है, तो ये फैक्ट है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है।
ये कानूनी पक्ष है, ये इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब अत्रे साहब जब ये पूछते हैं कि जब आप सर्वदलीय बैठक बुला रहे थे तो वो क्यों बुला रहे थे, अत्रे साहब ये तो कॉमन सेंस की बात है साहब, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग हो और उसमें हरियाणा के हित जुड़े हुए हों तो उस विषय पर विचार करने के लिए हरियाणा के सब राजनीतिक दलों को बुलाया जा है जी, जी, उसको, उनको बुलाया जा सकता है। सुन लीजिए एक बार, हरियाणा के राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग कोई मामला हो अथवा न हो, राजनीतिक दल हरियाणा के हितों पर विचार करने के लिए बुलाए भी जा सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, कोई सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचने की या कोई सर्वसम्मत स्ट्रेटजी बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो वो कोई अपराध नहीं किया, वो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का ध्यान में रखते हुए और ये सुनिश्चित करने के लिए किया था साहब कि आप अपना अपनी ढपली अपना अपना राग ना करें। चौहान साहब बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि आपकी केंद्र सरकार को ही कि आप निर्माण पहले नहर का करवा लीजिए, चाहे वो किसी भी तरह करवाइए, आपकी ये जिम्मेदारी है। देखिए अभी तक हुआ सर पंजाब में नहीं, सुनिए ना, केंद्र में केंद्र की सरकार की भूमिका तब आती है जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर ये कह दे कि इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। दो चीजें समझनी चाहिए, पहली बात, कोर्ट ने ये निर्णय साफ तौर पर कर दिया है कि पानी पर हरियाणा का हक है, नहर का निर्माण होना चाहिए। उसके खिलाफ पंजाब सुप्रीम पंजाब की विधानसभा ने कोई प्रस्ताव पारित किया था, उसको हमने चुनौती दी थी, हरियाणा ने चुनौती दी थी, और उधर वो केंद्र में उस समय की कांग्रेस की सरकार ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उसको भेज दिया था। इन्होंने उस दौरान 10 साल के शासनकाल में उसकी पैरवी नहीं की, आखिरकार उसका निर्णय आ गया कमल जी फिर कि पंजाब ने जो किया था वो गलत है और नहर का निर्माण होना है। अब नहर के निर्माण के संबंध में एग्जीक्यूट कैसे होना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तय करने का। अत्रे साहब आपके पास आएंगे, आप कहना चाहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हुड्डा साहब को भी बीच में ले ही आते हैं। हुड्डा साहब आपने पैरवी भी कभी नहीं की कमल नहर की, ये कहते नजर आते हैं चौहान साहब। देखिए प्रेजिडेंट रेफरेंस, हेलो जी जी बोलिए जी, हुड्डा साहब बोलिए। राष्ट्रपति से लोग मिले थे कांग्रेस के और उन्होंने प्रेजिडेंट रेफरेंस करवाया था। बीजेपी के भरोसा यह नहीं बता रहे कि उनकी पंजाब में सरकार थी और वो पंजाब की जो उनकी बीजेपी की सरकार अकाली के साथ थी वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। बीजेपी के भरोसा को हमारे बारे में कुछ बोलने से पहले अपनी गिराबान में झांकना चाहिए कि पंजाब में इनके बीजेपी के लोग क्या बयान दे रहे थे। मदन मोहन मित्तल इनका बीजेपी का मिनिस्टर था पंजाब में, उसने क्या किया था? महेंद्र सिंह कौन है? और अब सच्चाई यह है कि ये अपनी जिम्मेवारी से बच रहे हैं, भारत सरकार भी अपनी जिम्मेदारी। हुड्डा साहब, हुड्डा साहब जो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन करने का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट वो देने वाला है, अभी अभी उसमें समय है, तो सरकार कैसे बड़ा फैसला या कदम उठा ले? ये बहाना लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में भारत सरकार को कहा कि वो नहर बनाए। अब ये कैसे बनाए ये सरकार की मर्जी है कमल जी, लेकिन ये जानबूझ के बचना चाह रहे हैं कमल जी, ये किसी न किसी बहाने से इस मामले से अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं। नहीं हुड्डा साहब, क्यों छुड़ाएंगे पिंड? आपको क्यों लगता है कि क्यों छुड़ाएंगे पिंड? इनके पास तो मौका है इतिहास रचने का कमल जी, इनके पास का नहीं है कुछ। चलिए चलिए जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र चौहान साहब से। चौहान साहब जवाब दीजिए, वो कह रहे कि आपके बस की बात नहीं है। देखिए अगर कांग्रेस के बस की बात होती तो 66 से लेके और आज तक हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय तक इनकी सरकार रही है, एफआईएम बन ही जाती। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के बस की बात होती तो वो भी लंबे समय तक प्रदेश में अलग अलग नाम से सरकार में रहे हैं, उन्होंने बना दी होती। इस मामले को कानूनी लड़ाई लड़ते हुए लॉजिकल कंफ्यूजन की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, हमसे भी नहीं बनेगी तब कहना। अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कदम दर कदम जीतते जा रहे हैं, ये केवल राजनीति करना चाहते हैं। लोकदल के मित्र कसी कुदाले उठा के चल दिए, कहते नहर खोद के आएंगे, भला नहर ऐसे खोदी जाएगी क्या? उनका संपर्क टूट चुका है सर, उनसे भी जवाब लेने थे लेकिन उनका संपर्क टूट चुका है फिलहाल। बात कर रहे हैं, पूछिए रणदीप सिंह सुरजेवाला से क्या खोज बुलाना आज की तारीख में, आज की डेट में कोई टिकल विकल्प है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? और अमरेंद्र सिंह से तो पूछ ले रणदीप सिंह या सोनिया गांधी या राहुल गांधी फोन करके कि क्या वो फौज को बुलाने के पक्ष में है। हुड्डा साहब जवाब दीजिए आप। देखिए ये अपनी बात तो करनी है,
कि पंजाब में इनकी सरकार थी अकालियों के साथ। नहीं सिर्फ यही विकल्प है क्या कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब, सिर्फ यही विकल्प है क्या एक कि भारतीय सेना को और कोई काम नहीं कि एसवाल का पानी लाए हरियाणा में? देखिए हम कहते हैं आपकी सरकार है पंजाब में, हमें पानी चाहिए। चलिए ये बता दीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा क्या ये इजाजत दी जाएगी कि फौज वहां पर जाए और वहां पर नहर का निर्माण करवाए और पानी लाए उस नहर में? देखिए सुप्रीम कोर्ट दो बार इसको ऑर्डर कर चुका है, एक बार 2002 में, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी। एक ही बात रख रहा हूं, एक वही बात आप बार बार दोहरा रहे हैं। नहर का निर्माण ना कराए तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? इनको नहर का निर्माण कराना चाहिए। नहीं वो मना कब कर रहे हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब, वो मना तो कर ही नहीं रहे, वो तो ये कहते नहीं कर रहे हैं वो। नहीं उन्होंने मना ही नहीं किया, उन्होंने मना किया ही नहीं है। लटकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये पहले ओम प्रकाश चौधरी की सरकार में भागीदार थे और ओम प्रकाश चौधरी की सरकार रही, ये कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे राजीव लोंगोवाला समझौता हुआ था, कांग्रेस ने फैसला करवाया था, ये इनकी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी और भारतीय इंडियन नेशनल लोकदल, जिसने समझौते का विरोध किया। अगर ये लोग दोनों समझौते को लागू तो करवा देते, कागज पर पानी था आज तक, ये भारतीय कागज पर पानी था, इंडियन नेशनल लोकदल दोनों इस बात के लिए दोषी है। इन्होंने हरियाणा के लोगों के साथ छल किया है, हरियाणा के किसानों के साथ धोखा किया है। जवाब दें सर, चौहान साहब कुछ कहना चाहते हैं? आपके कई सवाल दागे गए हैं लोंगोवाल समझौता की आपने बात कही है जी। चौहान साहब मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा और उनकी पार्टी राजीव लोंगोवाल समझौते का पूरा श्रेय देना चाहता हूं, लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये तो बता दें क्या राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत हरियाणा को जो कुछ मिलना था वो दिलवा दिया इन्होंने? और राजीव लोंगोवाल समझौता कल की बात है क्या? इस बीच में कितने लंबे समय तक आपकी केंद्र में राज्यों में सरकार रही, आपसे खुद कुछ हुआ नहीं, सवाल हम पर उठा रहे हो? कम से कम यूं तो सोचो कि कह क्या रहे हो, लोग सुन रहे हैं आपको, क्या अर्थ निकाले आपसे कुछ बना नहीं। चलिए 10 सेकंड का वक्त है कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहीं पर रुकना पड़ेगा, 10 सेकंड का जवाब दे दीजिए आप। देखिए हमने समझौता करा, राजीव जी ने समझौता करा, और ये भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, इन्होंने मिलकर न्याय युद्ध किया और सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने न्याय युद्ध किया। अगर उस समय ये न्याय युद्ध शुक्रिया तमाम मेहमान जुड़े, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, चौहान साहब, अत्रे साहब, आप तीनों का शुक्रिया। चर्चा तो चलती आ रही है, कई दशक बीत चुके हैं लेकिन पानी अभी तक हरियाणा की जमीन पर एसवाल का नहीं आया है। आज भी सीएम साहब कहते हैं कि जल संकट दूर होगा, आखिर कब दूर होगा, क्यों मामला लटक रहा है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है, तमाम तरह की बातें की जाती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब ये क्यों कहा जाता है कि एसवाल का पानी हमारी सरकार में ही हरियाणा में आएगा? जनता सब कुछ देखती है, जानती है, देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता क्या एसवाल पर वोट देती है या नहीं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।